क्लास फाइव लेसन ट्वेल्व एलिस इन द वंडरलैंड। और अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके, इसका अर्थ भी जान चुके पिछले वीडियो में। चलिए आप उसके दूसरे पार्ट में उसके जो न्यू वर्ड हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स वो देखते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। वंडरलैंड, अद्भुत दुनिया। स्कैम्पर, तेजी से हड़बड़ा कर दौड़ना। बेस्ट कोट, सदरी। वंडर, आश्चर्य जताया। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। फॉलोड, अनुसरण किया। पॉप डाउन, अचानक कहीं आना या जाना। जाना, जैसे कि रैबिट, उस रैबिट होल में पॉप डाउन हुआ था। विस्कर, बिल्ली या चूहे के मुंह पर लंबा बाल। लैंडेड, उतरा। पाइल, वस्तुओं का ढेर। डिलाइट, अत्यधिक प्रसन्नता। लॉन्ग्ड, तीव्र इच्छा व्यक्त किया। एक्सक्लेम्ड, भावेश में अचानक चिल्लाया। जी हाँ, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती है, सडनली कोई फीलिंग आती है, तो हम एक्सक्लेम्ड करते हैं। यहाँ पर बंडर जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, फॉलो अनुसरण करना, लैंड लैंडेड की फर्स्ट फॉर्म एक्सक्लेम, भावेश में अचानक चिल्लाना। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, चलिए अब हम इसके प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ए, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। व्हाइल लिसनिंग टू अ स्टोरी एलिस सॉ अ व्हाइट रैबिट। ओ, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। एलिस सॉ अ रैबिट वाज डिफरेंट इन सच वेज, ही हैड पिंक आईज, He was wearing blue coat. He carried a watch. He was in hurried. हो, तो वो उसके जो कपड़े, रैबिट ने कपड़े जो पहन रखे थे इस तरह से, तो वो कुछ डिफरेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Where did the rabbit go? Rabbit went in the wonderland. Rabbit went in the wonderland. Very good. अब अगला क्वेश्चन, how did Alice reach wonderland? Alice reached in the Wonderland by followed rabbit where she saw a beautiful garden and fountains. Yes, what strange thing did Alice see? Alice saw a glass table with a golden key. जी, तो कहानी ये थी कि Alice एक कहानी सुन रही थी अपनी बहन से, तभी एक ऐसा खरगोश गुजरा जो कुछ अलग था, डिफरेंट था। उसने कुछ अलग तरह कपड़े पहन रखे थे, उसकी कुछ आंखें अलग तरह थी, कुछ चल ऐसा रहा था, तो एलिस भी उसके पीछे गई। जब खरगोश एक कुएं में कूदा तो एलिस भी उसके पीछे कूद गई और बहुत नीचे तक चली गई। जहाँ पहुँची फिर वहाँ उसे एक ऐसी टेबल मिली जहाँ पर एक चाबी रखी हुई थी। जब उसने उस चाबी से एक खिड़की जो कि बहुत छोटी थी उसको खोला, तो उस खिड़की से सिर्फ उसका सर बाहर निकल सकता था। जब उसने बाहर देखा तो एक नई दुनिया में पहुंच गई थी, जहां पे बहुत अच्छा सा गार्डन, फ्लावर्स और फाउंटेन। तो ये था एलिस इन वंडरलैंड। चलिए बर्ड पावर देखते हैं। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स टू वॉक फास्ट। हरी। यस, तेजी से चलना, हरी। सेकेंड, हैप्पी। डिलाइट। डिलाइट, प्रसन्न होना। एट वंस, सडनली, अचानक। टू बी सीन, नो हेयर। डिसअपीयर, यस, गायब हो जाना। मूव फास्ट, क्विकली, जल्दी से, वेरी गुड। ईगर टू नो, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर कर जो बात की लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्टिविटी छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को शुरुआत से सीखते रहे तो हम जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत अच्छे एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। माई नेम इज राहुल, तो इसको हम पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम। इसी तरह आई एम गोइंग टू स्कूल, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। माय फादर इज ए गोल्ड स्मिथ, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। आई एम 10 ईयर ओल्ड, हाउ ईयर आर यू, हाउ ईयर ओल्ड, हाउ, यस। मिस्टर प्रीति त्रिपाठी टीचेस मी इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, यस। हाउ ओल्ड यू आर एंड हेयर माई मिस्टर मिसेस प्रीति त्रिपाठी, मिस्टर मिसेस, मदर के नाम के लिए मिसेस या फिर कोई भी लेडीज मिसेस, तो मिसेस प्रीति त्रिपाठी टीचेस मी इंग्लिश। आई गेट अप एट 6 o'clock. When do you get up?
यस ओके, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप पृथ्वी के केंद्र में जाते तो कैसा होता, क्या देखेंगे? जी हाँ, बहुत टेम्परेचर है वहाँ पर, और वहाँ पर पिघला हुआ लोहा आग ही आग है, वहाँ जाना नामुमकिन है। तो ये था आपका पाठ, आप हमसे जुड़े रहें, इसी तरह आप यहाँ अपने पाठ और कविताएँ पढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा था एलिस इन द वंडरलैंड का सेकेंड पार्ट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए पाठ कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है।